हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले ही नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने अपनी वैकेंसीज निकाली थी फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज़ और ट्रेनीज़. अब पूरा नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस नहीं मेंशन किया गया था. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि हम कहाँ से कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, जब कोई लाइक गाइडलाइन नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा. तो हमने ये देखा कि जो इसका लास्ट रिक्रूटमेंट था, दैट इज़ इन 2020, इसमें रिक्रूटमेंट इसी पोस्ट के लिए आई थी. सो उस टाइम पे क्या है, इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो था वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं. हो सकता है कि ऐसा ही इस बार का भी सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है थोड़ा चेंजेस हो, लेकिन आपको कहीं से तो नो यू विल गेट अ हेड स्टार्ट, कहीं से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो हम इसका देखेंगे कि लास्ट टाइम जो 2020 में आया था, उस टाइम मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी की जो डिफरेंट वो पोस्ट थी उनके लिए क्या सिलेबस और क्या एग्ज़ाम पैटर्न था. ऑलराइट, सो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी. इसमें क्या थे, दो सेक्शंस है. अब जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उसमें आपको एलिजिबिलिटी तो पता है कि इसमें ग्रेजुएशन प्लस MBA या फिर ग्रेजुएशन प्लस उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो दो इसमें स्टेजेस हैं. पहला तो रिटर्न एग्जामिनेशन और दूसरा है इंटरव्यू. सो पहला जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, अकॉर्डिंग टू 2020, मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये पहले का है. ठीक है, तो आप वो दिमाग में रखिएगा. तो 2020 में जो आया था, दैट इज सेक्शन ए और सेक्शन बी था तो एग्ज़ाम में जो रिटर्न एग्ज़ाम था. ठीक है, सेक्शन ए में क्या, सेक्शन ए में जो है 70 क्वेश्चन से 70 मार्क्स के, और सेक्शन बी जो है उसमें 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स के. ठीक है, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी फॉर रॉन्ग आंसर्स. टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन से 90 मिनट्स में आपको एग्ज़ाम ये पूरा कंप्लीट करना था. और जो एसेंशियल पासिंग मार्क्स है, मतलब एटलीस्ट 35 मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 रिटन एग्जामिनेशन में लेके आने हैं टू क्वालिफाई और टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू. ऑलराइट, अब इसका जो सिलेबस देख लें अगर हम, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस है, तो इसमें जो सेक्शन ए है जो 70 मार्क्स का है, उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया था कि एक तो एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, दोनों में से कोई एक. अब देखिए, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो ऑब्वियसली सीड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसके बारे में तो पूछेगा. तो एग्रोनॉमी में सारी फील्ड क्रॉप्स आती हैं जिसके साथ वो डील करते ही हैं. ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी बिकॉज सीड्स का उनका काम है ही, प्लांट ब्रीडिंग भी इसी से रिलेटेड है. तो इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसकी आपको थॉरो रीडिंग करनी है, थॉरो आपको ये पढ़ना है. ठीक है, ये है सेक्शन ए के लिए जिसमें 70 मार्क्स थे. फिर सेक्शन बी जो है उसमें क्या है, आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि क्वांट और रीजनिंग, इसके साथ जनरल इंग्लिश, इसके साथ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज और कंप्यूटर्स. तो 30 मार्क्स के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. अब इनका जो भी लेवल है वो सारा किस लेवल का होगा, प्रोफेशनल जो लेवल है दैट वुड बी पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल. ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के लेवल के इसमें क्वेश्चंस आएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर ट्रेनी. सो ट्रेनी की भी अलग अलग पोस्ट आई थी, इसमें भी सेम है, दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी. अब जो ट्रेनी का है उसमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम है, इसमें इंटरव्यू नहीं है. ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा. सेम सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सेक्शन ए में 70, सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन, टोटल 135 है आपके क्वालिफाइंग और नेगेटिव है 0.25 मार्क्स फॉर नेगेटिव. अब इसमें ट्रेनिंग जो एग्री वाला है उसके लिए पूरा BSc एग्रीकल्चर, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं BSc एग्रीकल्चर में, वो सारे उस सब से, मतलब जनरल एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आ सकते हैं. ट्रेनी मार्केटिंग वाला जो है उसके लिए है, पार्ट दे रखे हैं ए और A1, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और उसके अलावा ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ BSc एग्रीकल्चर एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी इसकी पोस्ट इस बार नहीं आई है, ट्रेनी एग्री स्टोर्स की आई है और ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की है. तो ट्रेनी एग्री स्टोर्स में एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी मेजर सब्जेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि स्टोर्स में आपको प्रोटेक्ट करना होता है ना अपने सीड्स को डिफरेंट पेस्ट से, तो फिर इसलिए एंटोमोलॉजी या पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट होल्ड करते हैं, इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं इसमें. और नेक्स्ट है ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ BSc एग्रीकल्चर एक्सेप्ट एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी.
मतलब वही है कि सब कुछ ही आपको पढ़ना है, ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, इसमें सी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन के बारे में सारा कुछ, और ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर एक्सेप्ट सी टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो ये सारा सिलेबस इसमें मेंशन है सेक्शन ए के लिए. सेक्शन बी जो है सिमिलर है जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में था, वैसे ही इसमें है कि जनरल एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश, और इसके साथ क्या है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर्स. तो ये सारा आपका सेक्शन बी में आएगा 30 मार्क्स का. और क्या है इसमें जो लेवल है दैट वुड बी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन का लेवल या फिर 10+2 वाला लेवल के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ठीक है. तो ये सारा था आपको एक हेड स्टार्ट देने के लिए कि कैसे आपको लाइक आप किस डायरेक्शन में अभी जा सकते हो अनटिल एंड अनलेस उसका लेटेस्ट जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न जब तक डिस्प्ले नहीं हो जाता है तब तक ले आप इसके इसकी गाइडेंस में आप देख सकते हो कि आपको क्या कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है. इसके अलावा CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की भी जो वैकेंसीज आई है फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसका ऑनलाइन जो कोर्स है वो अवेलेबल हो गया है हमारी साइट पर, आप जाके वहाँ पर अवेल कर सकते हैं. और इसमें प्रॉपर जो नोट्स हैं, कोर्स वीडियोज़ अवेलेबल है, और उसमें प्रॉपर जो टेस्ट है चैप्टर टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल है, तो आप जाके अवेल कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.